बनने का दूध। और भाई मुझे एक कंपटीशन मिला है खेलने के लिए और मैं उसको खेल सकता हूँ। सारे सप्लीमेंट। हाँ जी, क्या हालचाल। आज है 14 मार्च यानी 73वां दिन हमारे नए साल का 2023 का। कल वाली वीडियो आपने देख ही ली होगी कि क्या चल रहा है भाई आजकल मेरी लाइफ में। जो मेरा ड्रीम था बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने का इस साल में, वो मैंने गिव अप कर दिया है। पर देयर इज अ ट्विस्ट भाई। मैंने उस वीडियो में एक चीज और बोली थी कि मुझे कंपटीशन खेलना है, मुझे स्टेज पे जाना है। तो स्टेज पर तो हम भाई जा ही सकते हैं, नेचुरल भी जा सकते हैं। जरूरी थोड़ी है जीतना जरूरी नहीं है मेरे लिए। स्टेज पे जाना जरूरी है। तो वो लाइफ स्टाइल मैं अभी भी जी सकता हूँ बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी अलग पीडीज के। नेचुरली हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे। आज मैं फिगर आउट करूँगा कोई ऐसा कंपटीशन हो नेचुरल जो आसपास हो मेरे, जिसको मैं खेल सकूँ। तो आज उसका रिसर्च करेंगे। और आज हमारा चेस्ट और ट्राइसेप्स डे, चलते हैं जिम के अंदर। जिम पार्टनर हमारा छुट्टी पे है तो हम अकेले एक्सरसाइज कर रहे हैं आजकल। आज हम नया गोल लेने वाले हैं, ठीक है। इट्स टाइम फॉर अ न्यू गोल। एक नया पिंपल और आ गया यार। तो ये जो मेरे साथ हुआ था, मैंने कंपटीशन का अपने दिमाग से निकाला था, ये होता मेरा 19 फरवरी को, ठीक है। 19 फरवरी से आज 14 मार्च हो चुका है। मैं बिना गोल के इधर उधर भाग रहा हूँ, बाकी काम कर रहा हूँ, बाकी चीजों में ध्यान लगा लिया, लेकिन अब टाइम है फिटनेस से रिलेटेड एक गोल लेने का। कंपटीशन वाली ड्रीम को मैं इतनी इजीली गिव अप नहीं करूंगा। कंपटीशन खेलेंगे, तरीका निकालेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं जिम, जिम के बाद बात करेंगे। प्रोटीन भाई, प्रोटीन खत्म होने वाला है आज वाला। एक वीडियो में बनाऊंगा कैसे तुम जेन्युइन प्रोटीन खरीद सकते हो। क्रिएटिन प्रोटीन दोनों एक साथ मांगेंगे, बल्कि सारे सप्लीमेंट एक साथ मंगाएंगे। क्योंकि तैयारी करेंगे ना हम, तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अभी बस मैं प्रोटीन और क्रिएटिन ले रहा था सिर्फ, ना मल्टीविटामिन ना कुछ। अब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो सारी चीज़ें मंगाएंगे, सारे सप्लीमेंट मंगाएंगे। अगर आप कभी भी जिम करते हो, जिम में प्रोटीन पी कर आते हो और शेक आप धोते नहीं हो, एटलीस्ट उसको ना खोल के रख दिया करो भाई। अगर बंद करके ऐसे ही रख दिया ना आपने, तो मामला ख़राब हो जाएगा। जो जिम करते हैं उनको पता है क्या होता है। इसकी ज़रूरत नहीं है जिम के अंदर, आजकल बहुत बढ़िया गाने चल रहे हैं, तो आराम करो, रेस्ट करो। तो आज कोशिश रहेगी एक नेचुरल कंपटीशन जो है फाइंड आउट करने की, कि कोई कंपटीशन है ऐसा जैसा जिसको मैं खेल सकता हूँ। जीतना नहीं है, बस खेलना है, ठीक है। अगर कोई नेचुरल कंपटीशन मिल जाता है तो और बढ़िया बात है। मुझे बस स्टेज पर जाना है और वो तैयारी वाला टाइम जीना है, समझे। और लाइक आने क्यों बंद हो गए हैं, लाइक क्यों नहीं करते हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो भाई, क्या करो यार। पहले आते थे जब डेली व्लॉगिंग कर रहा था, फिर डेली व्लॉगिंग छोड़ दी, तो फिर अब खत्म। लाइक कर दो ना, अभी कर दो, जाते हो बताना पड़ता है यार तुम्हें। आज हमें पक्का एक टारगेट मिलने वाला है, जिसको हम अगले 90 दिन के लिए क्या करते हैं उसको यार, चेज करने वाले। आज हम पहला दिन कह सकते हैं अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आज करते हैं वेट, वजन करते हैं आज। ये निशान छोड़ के जाएगा 85। सॉरी, बैक टांग के चढ़ गया हूँ यार, बैक को उतार के चढ़ते हैं। 82 मान सकते हैं रफली, 300 ग्राम ऊपर है। कपड़े वपड़े अगर हटा दें तो 81-85 बैठ सकता है। पहला साल ऐसा है जिसमें मैंने पूरी साल जो मेरा वेट है ना वो 80 के ऊपर रहा है। पूरी साल 80 के ऊपर वेट रहा है, बहुत अच्छा साल रहा है। बैक फ्रॉम जिम। आज के दो मेन काम है, एक तो कंपटीशन पता करना है, नेचुरल कंपटीशन है, और दूसरा मुझे जो आपको पता है पॉडकास्ट वाला सीन है, इतना लेट हो चुका है उसमें। पॉडकास्ट के लिए आज क्वेश्चन लिखने हैं जो मेरे पहले गेस्ट होने वाले हैं उनके लिए, और कल मैं पॉडकास्ट शूट करना चाहता हूँ। चाहने में और होने में जमीन आसमान का फर्क है। चाहता तो इंसान लग जाए, और पहले चाहना तो पड़ता ही है। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं क्वेश्चन लिखूँ और कल पॉडकास्ट शूट, ठीक है जी। हाई फाइव। चोंच टूट गई आपकी। कितने का है गन्ने का दूध? 2 रुपए का। मौसम ऐसा चल रहा है या फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों की, एक्सरसाइज अच्छी चल रही है, डाइट के नाम पे कुछ है नहीं, कोई टारगेट नहीं है ना, जब से डाइट का भी कोई हिसाब नहीं है। बस पोस्ट वर्कआउट में एक चम्मच प्रोटीन ले रहा हूँ और क्रिएटिन लेता हूँ फिर पोस्ट और प्री में। ना ओट्स ना कुछ भी नहीं चल रहा, बस घर का जब मम्मा बुला लेते हैं खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट डिनर
और लंच, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। अब टारगेट आज हम सेट करेंगे और अब सही से करेंगे सारी चीजें। जब तक टारगेट नहीं होता मजा ही नहीं आता। भाई हिम्मत करके उठ चुका हूँ, थकान तो भी उतरी नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं रिकवर क्यों नहीं हो रही है बॉडी। अभी ऑफिस शुरू होने में 2 घंटे के करीब है, तो एक तो पॉडकास्ट के लिए क्वेश्चन लिखने हैं भैया के लिए, नई टारगेट फिक्स करना है, अपना कंपटीशन ढूंढना है। क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं सारे पॉडकास्ट के और अब ऑफिस शुरू कर रहा हूँ। यार आज ऑफिस का बहुत काम है, फटाफट फटाफट निपटाते हैं। आज मीटिंग भी कही है, जिस चीज से पैसे आते हैं ना पहले वो काम करना चाहिए भाई, जॉब पैसे देती है। भाई आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा बिजी जा रहा है, ऑफिस की तरफ से बहुत काम है, ऐसे मजा नहीं आ रहा यार। लाइफ में कुछ टारगेट तो होना चाहिए ना। टारगेट लिया था शुरू में, क्या हुआ था, स्टेरॉइड लेकर ही खेलेंगे कि कंपटीशन? हम तो भाई अपनी मर्जी के मालिक है, हम तो बिना स्टेरॉइड के खेलेंगे कंपटीशन। स्टेज पे चढ़ना है, चढ़ जाएंगे, 10वें नंबर पे आए चाहे लास्ट नंबर पे आए कोई बात नहीं, हम अपने टर्म्स पे खेलेंगे कंपटीशन, ना कि उनके टर्म्स पे। और भाई मुझे एक कंपटीशन मिला है खेलने के लिए और मैं उसको खेल सकता हूँ, बट एक में चैलेंज ये आ रहा है कि पहली बात तो बीच में आ रहे हैं रोजे, 22 मार्च से रोजे हैं, यानी अगले हफ्ते से रोजे हैं, तो एक महीना वो हमारा जाएगा। वो भाई गैम्बल है, अगर एक महीना उसमें अच्छे से कर पाता हूँ, वैसे मुझसे होता नहीं है रोजों के अंदर, पर अगर हो गया तो हो सकता है कुछ बेकार गई तो उसके बाद भी 1.5 महीना है, तो वो जून में जाके कंपटीशन है। आज मैं सोचता हूँ, कल सोचता हूँ, कल उसको फाइनल करके उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैप्टन मसल को ओवर एंड आउट।